जय गुरुदेव एब्रिवान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मी श्री गुरुवे नम तस्मयी श्री गुरुवे नम इस श्लोक का अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है ऐसे गुरु को मैं सत शत प्रणाम करता हूँ हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब सभी अच्छे हो चलिए आज हम पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे आज हम परिवेश वाली बुक परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तका ठीक है तो सभी बच्चे परिवेश वाली बुक निकालेंगे फटाफट निकालिए और सभी बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे रीडिंग करेंगे जैसे मैं बोलूँगी ऐसे ही आपको मेरे साथ बोलना है ठीक है आपको मेरे साथ ज़रूर बोलना है तभी आपको रीडिंग करनी आएगी अपनी बुक में से ठीक है समझ में आया सभी बच्चे फटाफट पर निकालेंगे परिवेश वाली बुक निकालिए जल्दी से आपका पार्ट है पाँच यानी चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव और पार्ट का नाम है गोलू का घर और पेज नंबर है थर्टी थ्री पेज नंबर थर्टी थ्री 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 थर्टी थ्री और चैप्टर का नंबर है फाइव यानी पार्ट नंबर पाँच और पार्ट का नाम गोलू का घर तो सभी बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंगा था वह एक बगीचे में रहता था उसका बगीचा सूख गया था इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियाँ देखकर गोलू खुश हो गया उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा उसे पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगीं चटखारे लेकर उसने कई पत्तियां खा डाली बच्चे नेक्स्ट पेज नंबर खोलेंगे फटाफट थ्री फोर थर्टी फोर खोलेंगे एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आई अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी उन्हें बहुत क्रोध आया वे जोर से चिल्लाई इन पत्तियों को किसने खाया है माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया वह एक पत्ती के नीचे छिप गया जिससे कोई उसे देख न सके गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई फिर गोलू जल्दी से बाहर आया वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया और नेक्स्ट पेज नंबर देखेंगे थर्टी वन पढ़ा था अभी थर्टी टू थ्री टू थर्टी टू ओ सॉरी थ्री फाइव थर्टी फाइव धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा पर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल दिया कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी गोलू खुश होकर तेजी से उधर चल दिया वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए गोलू बहुत खुश हुआ अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ा उसे एक न्यारी जगह मिल गई थी इस तरीके से सभी को मेरे साथ रीडिंग करते रहना है और कम से कम दिन में आपको टू टाइम रीड करना है कंपल्सरी ओके